उधर असम में मुख्यमंत्री पद के लिए सस्पेंस बना हुआ है। कल गुवाहाटी में विधायक दल की बैठक होगी और सीएम के नाम का फैसला किया जाएगा। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज दिल्ली पहुंचे थे। दोनों शीर्ष नेताओं के दिल्ली आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या असम में इस बार कमान बदलने वाली है। बैठक से निकलकर हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया कि कल यानी रविवार को गुवाहाटी में विधायक दल की बैठक होगी, उसी में सब कुछ तय होगा और असम के होने वाले मुख्यमंत्री के नाम का भी फैसला होगा। कल गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटर पार्टी का बैठक होने का संभावना है और वो पार्टी का बैठक में ही सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राज्य में गुटबंदी की संभावनाओं से बचने के लिए ऐसा किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। एक ओर सर्बानंद सोनोवाल की छवि काफी अच्छी है, वहीं दूसरी ओर शर्मा पार्टी के संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे हैं। असम में विधानसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 75 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व में बने महागठबंधन को 51 सीटें मिली हैं। बीजेपी 60 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।